खबर छुपी लाइव आपकी खबर तेज ऐसा। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू कांग्रेस की जोनल समीक्षा बैठक में बस्ती पहुंची। पूर्वांचल के जिलों में कांग्रेस को मजबूत करने की रणनीति पर चर्चा हुई। साथ ही बीजेपी और बसपा सुप्रीमो मायावती पर भी जमकर हमला बोला। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने हाथरस की घटना पर बीजेपी पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना होगा कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए उत्तर प्रदेश की जनता से क्या क्या कहेंगी, वो सबक क्यों नहीं लेते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। उनकी सरकार है, बच्ची को इलाज की जब जरूरत थी तो समुचित व्यवस्था नहीं थी। किसकी इजाजत से उस बेटी का अंतिम संस्कार किया गया, अब आप दूसरे तत्वों की तरफ घुमाने की बजाय सीधे मुख्यमंत्री जी बता दें कि उस बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार और पूरे देश सुप्रीम कोर्ट के देखरेख में जांच चाहता है। सरकार सुप्रीम कोर्ट की देखरेख की जांच से क्यों भाग रही है? अगर वो सही है तो उसे जांच से नहीं भागना चाहिए। वहीं सीबीआई जांच पर भरोसा न होने के सवाल पर उन्होंने कहा कि आपको याद होगा कि मैनपुरी में एक ब्राह्मण परिवार की बेटी जिसके साथ घटना हुई, जिसमें सीबीआई जांच का आदेश हुआ, आज उसका परिवार दर दर की ठोकर खा रहा है। सीबीआई जांच की सिफारिश हुई, आज तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई। संजीत यादव का अपहरण हुआ, हत्या हुई, सीबीआई जांच की सिफारिश हुई लेकिन आज तक शुरू नहीं हुई। यूपीएससी का घोटाला हुआ, आज तक सीबीआई जांच शुरू नहीं हुई। ये सरकार जांच पर जांच बैठाकर देश और उत्तर प्रदेश की जनता को धोखा दे रही है। पूरा देश जानता है कि दंगों का मुकदमा किसके ऊपर दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हो या उनके मंत्री हो, उनके ऊपर दंगों के मुकदमे दर्ज रहे हैं। सरकार आने के बाद दंगों के मुकदमे वापस लिए गए हैं और दंगे किस परिस्थिति में कराए जाते हैं, जब विभाजन की स्थिति को पैदा करने की नियत हो। देश जानता है, प्रदेश जानता है कि दलित, पिछड़े, आदिवासी और अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार कौन सरकार करे, कौन आरक्षण छीन रहा है। मैं बड़ी स्पष्टता के साथ कह दूं कि राजस्थान की घटना जो हुई है, हम सबकी पूरी संवेदना उस पीड़ित परिवार के साथ है। आदरणीय अशोक गहलोत जी, अभिलंब परिजनों से बात किए, उन लोगों ने जो जो मांगे रखी सरकार के समक्ष उसको उन्होंने तत्काल पूरा किया और साथ ही साथ ये भी उनकी मर्जी के साथ ही उनके दाह संस्कार को कराने की व्यवस्था उनके परिजनों को सौंपी। बसपा सुप्रीमो मायावती के राजस्थान में साधु की हत्या के ट्वीट पर अजय कुमार लल्लू ने कहा कि राजस्थान की जो घटना हुई, हम सबकी संवेदना पीड़ित परिवार के साथ है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अविलंब परिजनों से बात की, उनकी मांगों को माना। बहन जी का जो आरोप है, बहन जी सिर्फ यह बता दें, ना वो हाथरस गईं, ना वो गोरखपुर, ना लखीमपुर गईं, ना किसी के दुख सुख का हिस्सा बनी, ना किसी मुद्दों पर सड़क पर उतरी। राहुल गांधी, प्रियंका गांधी के साथ बदसलूकी हुई, लाठी चार्ज हुआ, कांग्रेस ने सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष किया। बसपा बताया उसने हाथरस या तमाम दलित भाई बहनों के साथ जो घटनाएं हो रही हैं, उस पर क्या कर रही है। मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री जी को यह स्पष्ट करना होगा कि वो अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए और क्या क्या कहेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से। वो सबक क्यों नहीं लेते, कार्रवाई क्यों नहीं करते। जब इलाज की जरूरत थी, उनकी सरकार है, इलाज की समुचित व्यवस्था नहीं की। इलाज के लिए आनन फानन में बाद में सफदरगंज वहां के डॉक्टरों ने भेजा, सरकार ने नहीं भेजा, कोई मदद नहीं की। किसके इजाजत से उस बेटी का दाह संस्कार किया गया उनके मृत्यु के बाद। अब आप दूसरे तथ्यों के तरफ घुमाने के बजाय सिर्फ मुख्यमंत्री जी ये बता दें, देश जानना चाहता है, उत्तर प्रदेश जानना चाहता है कि उस बेटी को न्याय मिलेगा कि नहीं मिलेगा। मुझे लगता है कि पीड़ित परिवार भी और पूरा देश सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख में जांच चाहता है।
सरकार सुप्रीम कोर्ट के जज के देखरेख के जांच से क्यों भाग रही है। अगर वो सही है, उसको अपने आप पर भरोसा है, तो जांच से नहीं भागना चाहिए, जांच कराने का आदेश जारी कर। धन्यवाद। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विभाजन वाले बयान पर उन्होंने पलटवार किया और कहा कि पूरा देश जानता है कि दंगों का मुकदमा किसके ऊपर दर्ज है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हों या उनके मंत्री हों, उनके ऊपर दंगों के मुकदमे दर्ज रहे हैं। सरकार आने के बाद दंगों के मुकदमे वापस लिए गए हैं। देश जानता है, प्रदेश जानता है, दलित, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोगों के ऊपर लगातार अत्याचार कौन सरकार कर रही है, कौन आरक्षण छीन रहा है, कौन लोगों को विभाजन की स्थिति में प्रदेश को बांटना चाहते हैं, ये पूरा देश जानता है। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर यूपी।